अस्सलामुअलैकुम, सैलानी के एक और लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। आपने जिस तरह पीछे देखा कि सैलानी के हेड ऑफिस में अभी डिसइंफेक्टेड स्प्रे हो रहा है, ये मुहिम का चल रहा है ताकि जो कोरोना वायरस के जो खदशात हैं उससे हम बच सकें। ये एक कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सैलानी को ये सर्विसेज दे रही है, उनके एक नुमाइंदे आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तमाम तफसीलात लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। अपनी कंपनी के बारे में बताया, क्या नाम है और ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? मेरी कंपनी का नाम है ट्रिपल ए फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 34 से ज़्यादा शहरों के अंदर फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं। और इस सर्विसेज के वाले से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मल्टीनेशनल और मुख्तलिफ कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं जिनको हम ये सर्विसेज दे रहे होते हैं कंप्लीट फैसिलिटी मैनेजमेंट की। इस हवाले से हमने अभी ये तमाम जो मदारिस हैं और इसी तरह से जो गिरजाघर हैं, मदारिस हैं और आपके इमाम बारगाह हैं और मंदिर हैं, इसी तरह सारे ये सोशल वेलफेयर इदारे हैं, हमने यहाँ पर इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिसइंफेक्शन की सर्विसेज का इनेकाद किया है। और इसके अंदर हमारी टीम जो है ये कोरोना वायरस की अगेंस्ट ये सर्विसेज तमाम इदारों के अंदर इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अच्छा, आप इस वक्त सैलानी में क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसके हवाले से भी थोड़ा ब्रीफ कर दें कि आपका इदार के जो वर्कर्स हैं सैलानी में क्या कर रहे हैं ये अभी? हमने अभी ये मैनेजमेंट के साथ बैठ के एक फैसला ये किया था कि इस तरह जितने भी हमारे कराची के अंदर मदारिस हैं, इसी तरह से जो सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, इमाम बारगाह हैं और मुख्तलिफ ये जो आपके यानी सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देंगे डिसइंफेक्टेशन की स्प्रे सर्विस। तो इस हवाले से हमने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को भी अपना एक जगह चुनी है जहाँ पर हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने के लिए आएँ ताकि कोरोना वायरस से हम सबको इस वक्त निजात मिल सके। अच्छा, आपकी जो सर्विसेज अभी हो रही हैं पूरी बिल्डिंग में हो रही है, आपको क्या लगता है मतलब इसके बाद फिर से स्प्रे कराने की नौबत हमें कब तक आ सकती है? देखिए, ऐसा होता है कि ये बेसिकली जो टोटल लाइफ स्पैन है इस कोरोना वायरस की एक्टिविटी का, ये तो 14 दिन का लाइफ स्पैन है। अच्छा, लेकिन इस 14 दिन के अंदर ये देखा जाता है कि अगर हमने इन प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखा हुआ है तो ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह 14 दिन के अंदर हमें इससे निजात मिल सकती है। प्रिकॉशन भी बता दें हमारे व्यूअर्स को। जी, प्रिकॉशन इसमें सबसे अहम तो ये है कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोगों से तकरीबन 6 फिट का हम 2 मीटर का फासला रखें ताकि जो छींकने के ज़रिए से इस तरह से जो मुँह से जो छींकने से जो अपने थूक के जो ज़रात हैं वो दूसरे किसी के जिस्म के ऊपर ना आए। इसी तरह अगर हमने अपने कंप्लीट यूँ समझ लें कि आप यानी जो लिबास वगैरह है इसकी सफाई का भी हम ख्याल रखें, हाथ को हम मुस्तवातिर जो है वो अपना साबुन से मुस्तकिल धोते रहें ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ या ऐसी जगह पर हमारा हाथ लग गया जहाँ कोरोना के कोई असरात हों तो वो हमारे नाक या मुँह तक ना पहुँच पाएँ, तो इसका हम ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोशिश करें कि हम कम से कम अपनी मूवमेंट करें, अपने घरों के अंदर रहें ताकि ये चीज़ फैले नहीं। कोरोना का जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि जितना हम इस वक्त अपने एक दूसरे से क्लोज़ होते जाएंगे उतना ये कोरोना जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता चला जाएगा और ये एक वबा बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। हम इनके इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में इन्होंने सैलानी का साथ दिया और इस तरह से सैलानी को तावुन किया। मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप सिर्फ सैलानी के साथ माली तौर पर तावुन करें, अगर आप सोशल मीडिया के हमारे व्यूवर्स हैं तो आप सोशल मीडिया में हमारी पोस्ट शेयर करें, जिस तरह भी हो सकता है आप उस तरह से सैलानी के साथ जुड़ें, सैलानी का साथ दें। इंशाल्लाह सैलानी की अगले लाइव सेशन के साथ आप सबसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।